तो देखो अभी ये दोनों नालायक अभी आने वाले हैं सामने से कूप आरपी लेके, तो देखो इनकी हालत क्या होता है। तो सामने तुम्हारा भाई का टीममेट बैठा है और ये आगे आगे, अरे अबे यार। वेलकम मित्रों, आई नो कि बहुत टाइम बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ एंड आई प्रॉमिस कि अब से कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। आर यू कॉमेडी मी? क्या मतलब कि मैंने पहले भी ऐसा बोला था। खैर छोड़ो ये सब, आओ देखें गेम प्ले, काफी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, आपके लिए एक खास अनाउंसमेंट है, सो वीडियो को स्किप मत करना वरना मिस हो जाएगा। और हाँ, इस मैच में हमें दो नालायक मिलते हैं जो कि तुम्हारे भाई को देख कर डर के मारे क्या करते हैं, आप लोग आगे देखो। आइए देखते हैं। और ये देखिए भाई, क्या क्या भिखारी है वे। अबे इसे कोई बताओ जाके कि टिकट नाम का कोई चीज भी होता है, और ये प्लेन है, कोई घोड़ा नहीं जो इसके ऊपर चढ़ के जा रहा है ये। और देखो देखो इस बेशरम को यार, हमारे आगे कलाबाजियां दिखा रहा है प्रो ब्रो के सामने। भाई इसे पता नहीं हम भी स्पाइडरमैन है। मतलब बने नहीं है अभी, पर हो जाएंगे। A few moments later. तो देखो अभी मैं और ये मेरा टीममेट कोई रैंडम सा बंदा है, मुझे पता नहीं, हम यहाँ मिलिट्री बेस में उतर चुके हैं और उतरते ही मुझे सर्वर लैग दिखाई देना शुरू हो चुका है। तो पहले नीचे चलते हैं, जाके स्पाइडर मैन बन जाते हैं, फिर कलाबाजियाँ करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। चलो पहले तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है ये वाला क्रेट, तो मैं यहाँ से लूट लेता हूँ पहले। वेब शूटर भी मिल गया, तो चलो। और ये मेरा जो टीममेट मेरे साथ उतरा है मिलिट्री में, उसको क्या हो रहे हैं, उसको कौन सी नशे चढ़ रहे हैं मुझे पता नहीं। वो मतलब अलग ही लेवल का नशा करके बैठा है, या फिर मैं रात को खेल रहा हूँ, शायद वो नींद में खेल रहा है मुझे। It's her choice. तो देखो दीदी ने भी अभी बोल दिया है इट्स हर चॉइस, मतलब मैं अभी और कुछ नहीं बोल सकता, मुझे माफ कर दो। और मैं पहले इस बॉट की पिटाई लगा देता हूँ। और ये बैरल में जो आयरन साइट है, मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है ये, मतलब पहले कभी मैंने बैरल के साथ आयरन साइट यूज नहीं किया है, तो चलो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रेनिंग राउंड में थोड़ा। और ये कहाँ कहाँ मार रहा हूँ, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, मार लिया मैंने। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो इसे पहले लूटते हैं, इस घर में सभी घरों में लूटते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। तो देखो अभी मैं यहाँ ऊपर चढ़ के कुछ कुछ तो कर रहा हूँ, और देखो मुझे कौन मिलता है। मेरे पीछे है बॉट, बॉट भैया आ चुके हैं मेरे पीछे, तो पहले चलो इनको ख़त्म कर लेते हैं। और ये भागते हुए आ रहा है। अबे भगोते कहाँ भाग दिया। हाँ इसकी पेटी बना लेते हैं, बन जा पेटी। ये बन गया पेटी। One eternity later. और मुझे यहाँ पे मिल जाता है ये यूएज, और मैं यहाँ कलाबाजियाँ दिखाते हुए गाड़ी में बैठ गया, और सामने मेरा टीममेट है कंपाउंड में, आगे का कंपाउंड में। तो चलो उसको गाड़ी में बिठाते हैं और चलते हैं, ब्रिज पार होने का टाइम आ चुका है। ब्रिज कैंपिंग भी लगा लेंगे यहीं पे, और यहीं पे ही आगे मिलने वाले हैं वो दो नालायक बंदे हमें। और पहले इसे इस बॉट को ख़त्म कर लो, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार सभी बॉट मुझे, आज एक ही दिन में मिलना था क्या। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा ही केडी बढ़ रहा है। अबे साले ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ से पहले मैं सभी लूट उठा लेता हूँ, थोड़े बहुत लूट अभी भी मुझे चाहिए होता है, तो मैं लूट उठा लेता हूँ। फिर मैं मेरे टीममेट को गाड़ी चलाने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी ढंग से चलाना नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास लाइसेंस है, बराबर लाइसेंस है असल ज़िंदगी में। तुम्हारा भाई सल्लू भाई एकेडमी से पास आउट हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि कितना बड़ा हैवी ड्राइवर हूँ मैं। पर यहाँ गेम के अंदर मुझे ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, पर मैं ठीक से ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो मैं इसे दे देता हूँ चलाने के लिए, आजा भाई चला ले तू। तो यहाँ पे अभी हम दोनों निकल ही रहे होते हैं, और सामने मुझे क्या दिखता है, एक फ्लेयर ड्रॉप। तो मैं इसे मार्क करने की कोशिश करता हूँ, इसे बातें भी करने की कोशिश करता हूँ मेरे टीममेट से, पर ये सुनने को तैयार ही नहीं है। तो मैं उतर ही जाता हूँ गाड़ी से, पर मैं देखता हूँ कि पीछे ये मेरे पीछे आने के अलावा ये गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा है, और मुझे नहीं, ये अच्छा बंदा था, ये मुझे बुला के भगा रहा है। अबे यार कैसे बंदे हैं यार, पैसा बर्बाद। फिर छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अकेले थोड़ी ना जाऊँगा वहाँ पुश करने के लिए, और वैसे भी जोन बहुत दूर है, तो जोन के अंदर पहले जाना पड़ेगा।
तो अभी अपन लोग आके पहुंच चुके हैं इस ब्रिज में, और यहाँ पे ये दो जो नालायक बंदे थे यहीं पे ही मुझे मिलने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। आगे देखो, और मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन बन के कलाबाजियाँ दिखाते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यार इस सस्ते स्पाइडरमैन को ऊंचाई से डर लगता है। बस हवा निकल गई, सच्ची में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहा होता हूँ, पर ये मेरे जो टीममेट्स है भाई, रैंडम प्लेयर यार जब टीममेट बनते हैं तो क्या ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो मेरे टीममेट्स है ये निकलने का नाम ही नहीं रह रहे, इनको तो कैंपिंग करना है, ब्रिज कैंपिंग जिंदगी में पहली बार शायद कर रहे हैं। हाँ वो अलग बात है कि मैं भी पहली बार शायद कर रहा हूँ, शायद पहली बार कर रहा हूँ, नहीं पहली बार नहीं, पहले भी एक दो बार शायद किया है, पता नहीं। तो मुझे चाहिए था यार किल, एकदम रस गेम प्ले करने का सोच रहा था आज, मतलब एकदम किल लूटने का सोच रहा था, जन्मों का केडी आज ही कंप्लीट कर लेता शायद, पर यार इन लोगों के चक्कर में यहीं फंसा पड़ा हूँ। तो चलो यहाँ पे थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, इस चक्कर में हमको दो नालायक भी दिखने वाले हैं अभी, तो चलो उनके पास चलते हैं। और यहाँ पे अभी सामने सामने चल रहा होता है डीपी, और ये डीपी बजा के एक बंदे का किल निकाल लेता है भाई, बहुत बहुत बुरा लगता है यार। और यहाँ पे सामने ये तो नालायक अभी आने वाले हैं ऊपरी आरसी लेके, और ये देखो भाई, तुम्हारे भाई को देख कर डर के मारे पानी में गाड़ी कुदा दिए यार ये लोग क्या ही करेंगे। पहले मुझे लगा था एक बंदा, इसलिए मैं अंधा घुस गया उसके ऊपर, वो बंदा पानी में होगा, उसे पानी में ढूंढ के उसका पेटी बना दूंगा, और वैसा भी मैंने किया, वेल डन। पर यहाँ पे आते हुए देखो क्या होता है, इसका एक और नालायक साथी होता है जो कि पानी में रेंगते हुए एकदम मछली बन चुका है। ये देखो यहाँ से उठता है और मुझे फायर देता है। पर यार तुम्हारा भाई ऐसा एकदम नूब नहीं है, नूब हूँ पर इतना भी बड़ा नूब नहीं हूँ, तो उसे बेटा पानी से उठा के ले आता हूँ मैं भाई। आ जा ऊपर आके तू मछली बन भाई, जितना मछली बनना है ना ऊपर आके बन, बहुत तेज हो रहे हैं। और अभी इसको फिनिश देने के बाद मैं इसके टीममेट को ढूंढता हूँ जिसे मैंने पहले नॉक किया था, वो पानी में कहीं पर ठहर रहा होगा। ये जब से ये BGMI का नया अपडेट आया है, बंदे पानी में ठहरते हुए कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे कोई और नॉक ना कर दे, तो इसीलिए मैं उसे ढूंढता हूँ। और ये सामने मिल जाता है मुझे बोट वाले को मैं स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा ये 2 कौड़ी का स्प्रे उनके ऊपर नहीं लगता। और ये देखो भाई, ये आ गया रिमाइंडर भाई, तुम्हारा भाई है एकदम टाइम का पक्का, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, तो रिमाइंडर लगा के बैठता हूँ। खैर वो अलग बात है कि मैं वो देखता भी नहीं, स्किप कर देता हूँ, तो छोड़ो कोई बात नहीं। तो चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, मेरा तो ये किल निकल चुका है, और वो दूसरा बंदा यहीं पे कहीं पे होगा शायद, पता नहीं, मैं थोड़ा हील हो जाता हूँ पहले। चलो और ये बंदे का मुझे किल भी मिल गया, ये सामने कहीं पे होगा शायद, और ये देखो ये यहीं पे पड़ा था, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, ये यहीं पे घुसा पड़ा था, गालियां होनी चाहिए यार। तो चलो इसका पेटी लूटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद हम सीधे यहाँ पे चल दिए हैं, और यहाँ पे पहले से ही बंदे फाइट में लगे पड़े हैं हमें छोड़ के, अकेले कैसे फाइट कर रहे हो तुम लोग, इतना हिम्मत तुम्हारी। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे घुसते हैं और कुछ नॉक निकालते हैं, क्या पता चिकन भी मिल जाए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो पहले मैं इस साइड में स्मोक करता हूँ, क्योंकि उस साइड से मुझे फायर की आवाज़ आ रहा था, तो पता नहीं वहाँ से कोई बंदा होगा मुझे पेल देगा, तो पहले मैं यहाँ चलता हूँ। और हमारा भाई नॉक पड़े हैं, उससे पहले रिवाइव करते हैं, और सामने बंदे है, सामने एक चर्च है, हाँ वो जो टूटा हुआ चर्च होता है ना वही है, तो वहाँ पे बंदे छुपे बैठे हैं, कहाँ पे है दिखाई नहीं दे रहे, पर वो थोड़ा रिज टाइप का है ना एक, तो वहाँ से दिखाई नहीं दे रहे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से पीछे से किसी का फायर का आवाज़ आ रहा था, और ये सामने एक बंदा बैठा है, और अभी ये देखो भाई, तुम्हारा भाई का खौफ अब कन्फर्म हो गया है, तुम्हारा भाई का खौफ भाई, कितना डर रहे हैं बंदे भाई, छुप गया वो बंदा मुझे देख के, इसके टकले पे देता हूँ एक Car 98। और ये गया भाई, इस हेडशॉट के लिए भाई मुझे लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, लाइक ठोको सब्सक्राइब ठोको, मुझे पता नहीं इतना मतलब मस्त हेडशॉट मारा है उसको, एकदम टकला सुझा दिया उसका, 2 दिन तक वो शायद पबजी खेलने भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे भाई हमारा 2 बंदे नॉक हो चुके हैं, और वो
सामने वाले जो चर्च वाले बंदे रोस्ट कर दिए हैं हमारे ऊपर, और ये दो आ रहे हैं, और इनमें से एक को मैं नॉक कर देता हूँ और दूसरा मुझे नॉक कर देता है। No, God! पर मुझे यहाँ पे किल नहीं मिलता और मेरा 7 किल होते होते रहा 6 किल हो गया भाई। बहुत बहुत दुख लग रहा है मुझे। तो चलो देखते हैं कौन किसने चोरी किया मेरा किल। चिट ब्रो का किल चोरी करने का हिम्मत किस में है? आओ देखें क्या ये 2 किल वाला बंदा चोरी किया है मेरा किल। नहीं ये वाला बंदा चोरी किया है मेरा किल। भाई मैं इनको श्राप देता हूँ, इनका चिकन ना हूँ। शर्म करो, भगवान से डरो। तो चलो आओ देखते हैं, इसका भी 2 किल है, आओ देखें क्या ये चिकन कर पाते हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं अनाउंसमेंट की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अनाउंसमेंट ये है कि मुझे चाहिए एक स्क्वाड, अपना खुद का मेरा स्क्वाड, जिसमें आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास अपना कोई खेलने वाला टीममेट्स नहीं है या फिर कोई स्क्वाड नहीं है जिनके साथ हम मस्ती मजाक कर सके, खेल सके। तो आप लोग चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने कुछ सिंपल चीज़ें डिस्क्रिप्शन में कहा है, उसे जाके पढ़ के आप सिंपली आराम से ज्वाइन कर सकते हो मेरा स्क्वाड। वैसा कुछ नहीं चाहिए कि मुझे मतलब प्रो प्लेयर चाहिए सिर्फ, वरना तो मैं स्क्वाड नहीं बनाऊंगा, वैसा कुछ नहीं है। आप जैसा भी खेलते हो, ठीक ठाक खेलते हो, तो आ जाओ मेरे स्क्वाड में, हम लोग मिलके खेलेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, गेम प्ले रिकॉर्ड करेंगे। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप आराम से जाके मुझे इंस्टा में DM कर सकते हो, मैं आपकी DM का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अभी इसका तो अभी चिकन निकलने ही वाला है, तो आओ देखते हैं ये क्या करता है। मतलब बहुत बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद इसका चिकन निकलता है। इसका स्प्रे इतना ज़्यादा ही घटिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो खैर छोड़ो, और मेरा भी गेम प्ले यार बिगड़ गया है पूरा, जब से मैंने 4 फिंगर में शिफ्ट हुआ हूँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है मुझे। तो आगे और भी ज़्यादा तगड़ी गेम प्ले आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर करो यार। अभी हमें यार आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जल्दी शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे एक और धमाकेदार गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए मुझे टाटा कह जो।